कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल जारी हुई, उसमें वो नेक्सस बिल्कुल सामने खुलकर सामने आ गया है। और अब मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात दबी या छिपी रह गई है कि जिन लोगों को देश की सुरक्षा, देश की संपत्ति की सुरक्षा, देश के जान माल की सुरक्षा के लिए चुनकर भेजा था, आज कहीं ना कहीं वही इन सब में संलिप्त नजर आते हैं। आप जानते हैं कि जिस तरीके की सेबी की भूमिका के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है, सेबी जो एक न्यूट्रल एजेंसी होनी चाहिए, जिसका कर्तव्य था, वो जब पार्टी बन जाए तो कहते हैं कि जिसको सुरक्षा और रक्षा में रखा, अगर वही भेड़िया बनके उस माल को खाना शुरू कर दे तो कोई चीज बचती नहीं। उत्तर प्रदेश से आती हूँ और हमारे यहाँ एक कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ये बात मैंने AICC के मंच से भी कही थी, तो यहाँ पर पुनः उसको दोहराना चाहती हूँ। एक गांव था, वहां पर रात में डाका पड़ा, फिर अगली रात डाका पड़ा, फिर डाका पड़ा, ये सिलसिला चलता जा रहा था। लोग परेशान थे, इसलिए ज्यादा परेशान थे क्योंकि गांव का मुखिया भी डाकुओं के साथ मिला हुआ था। तो बेचारे क्या करते, वो दौड़े दौड़े कोतवाल के पास गए, कोतवाल से कहा जांच कीजिए। कोतवाल कभी कोई बहाना बनाए, कभी कोई और बहाना बनाए, आनाकानी करे, लोग परेशान। फिर बाद में पता चला कि डाके का एक हिस्सा तो कोतवाल को भी मिलता था। तो इसीलिए जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अडानी मोदी महा घोटाले में जो रेगुलेटर है, जिसको मार्केट नियंत्रित करना है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब उसी की भूमिका पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने लगा दिया है। अभी तक अडानी के शेयर्स का ओवर वैल्यूएशन, पैसों की राउंड ट्रिपिंग, कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, यही सब सामने आ रहा था। अब सामने आता है कि जिस सभी को यह जिम्मा दिया गया था कि आप इस महा घोटाले की जांच करिए, और जिस सभी ने 18 महीने तक मामला अटकाए रखा, जिस सभी ने इस देश के उच्चतम न्यायालय, द हाईएस्ट कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें जांच में कुछ मिल नहीं रहा है, अब पता चलता है कि सेबी की जो प्रमुख माधवीपुरी बुच है, उन्हीं का इसमें संलग्नता के आरोप लगे हुए हैं। और आरोप बड़े संगीन हैं। आरोप लगे हैं कि सेबी प्रमुख बनने से पहले उनका ऐसे फंडों में निवेश था जिन फंडों की वो जांच कर रही थी। आरोप है इन फंड से वो व्यक्ति संलग्न थे जो कि अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस में डायरेक्टर रह चुके थे। आरोप था और आरोप है हिंडनबर्ग के माध्यम से कि अगोरा कंसल्टिंग के माध्यम से उन्होंने मोटी कमाई करी, अपनी आज की सैलरी का 4.5 गुना रेवेन्यू एक साल में कमाया, उसको काम यही मिलता था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यह है कि उनके पति जो एक इंजीनियर हैं और यूनिलीवर कंपनी में प्रोक्योरमेंट देखते थे, खरीद देखते थे, वो ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर बन जाते हैं। माधवीपुरी बुच जी रीट्स का प्रमोशन करती हैं, म्यूचुअल फंड की तरह ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, और बाद में पता चलता है उनके हस्बैंड इसी में एडवाइजर हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना लंबा है कि जिस फंड में निवेश किया उसी फंड से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध भी था। तो सवाल ये स्वतः उठेगा कि क्या ऐसे में सभी प्रमुख माधवीपुरी बुच को इस जांच से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था। शुड शी हैव रिक्यूज्ड हरसेल्फ, पहला सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने जांच की समिति बिठाई, जिसके सामने सभी ने अपना पक्ष रखा, क्या उस समिति को, क्या देश के उच्चतम न्यायालय को आपने यह बताया कि मैं जिन फंडों की जांच कर रही हूं उनमें से कुछ फंड में मैं खुद कुछ समय पहले तक निवेश कर रही थी,
फिर मैंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिए वो फंड। क्या ये बातें बताई गई? क्या ये बातें बताई गई कि 2017 से 2022 तक मेरी संलग्नता कंसल्टिंग फॉर्म में भी रही? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और अगर ये बातें नहीं बताई गई तो इस देश के उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखने का अधिकार इस देश के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड को किसने दिया? और सरकार क्यों चुप है? आप रेगुलेटर अपॉइंट करते हैं, रेगुलेटर इज फाउंड विद हर हैंड इन द कुकी जार, और आप चुप रहिएगा और इस अडानी महाघोटाले की परत दर परत खुलती जाएगी। और अब मैं उल्लेख आपका फिर से अडानी महाघोटाले से जरूर कराना चाहती हूं, क्योंकि अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उसमें सीबीआई, उसमें ईडी, उसमें इनकम टैक्स, मोदी जी ने सबका अच्छा प्रयोग किया है कि अडानी जी चकाचक इस देश के सबसे अमीर आदमी बन जाए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।